हेलो एवरीवन आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी एंड ट्रॉन्ग होंगे पीसीओडी ये क्या है ये क्यों होता है इससे कैसे बचा जाए इसके लक्षण क्या है इसकी ट्रीटमेंट क्या है होम रेमेडीज़ क्या है एलोपैथिक मेडिसिन क्या है आयुर्वेदा में हम इसे क्या कर सकते हैं ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण विषय है इसकी गंभीरता का अंदाज़ा आपको आगे वीडियो में पता चल जाए तो शुरू करते हैं आजकल महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है घर और बाहर दोनों तरफ बैलेंस बनाकर जो वो चल रही है संतुलन बनाकर वो चल रही है लेकिन ये करने में वो अपनी हेल्थ की तरफ अपने शरीर की तरफ ध्यान देना भूल जाती हैं और समस्याओं को फेस करना पड़ता है महिलाएं लड़कियां ये समय की कमी के कारण अपने खान पान की तरफ ध्यान ना देकर अपने लाइफस्टाइल में खुद की तरफ ना ध्यान देकर वो कई अन्य बीमारियों के साथ साथ पीसीओडी जैसी समस्याओं को वो फेस करती है पीसीओडी सी पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर ये क्या है शायद आपको पता ना हो आपके खान पान का आपके रहन सहन का आपके होने वाले शारीरिक प्रॉब्लम आपके शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है बीमारियों पर प्रभाव पड़ता है आप क्या खाते हैं आप क्या पीते हैं इसका पी पर सीधा प्रभाव पड़ता है तो आइए जानते हैं पी क्या है और आजकल ये महिलाओं को और लड़कियों को इतना प्रभावित क्यों कर रहा है करीबन सत्तर से 75 प्रतिशत महिलाओं को पता ही नहीं होता कि वो पीसीओडी की समस्या से ग्रस्त है पीसीओडी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती लाइफस्टाइल में चेंजेस करके पीसीओडी का इलाज कर सकते हैं कुछ प्रॉपर मेडिसिन ले कुछ अपनी लाइफ में सुधारना करके पी का इलाज किया जा सकता है ये एक हारमोनल विकार होता है ये अधिकतर महिलाओं की प्रजनन आयु में विकार पैदा करता है इस डिसऑर्डर में महिलाओं का शरीर असंतुलित तरह से हार्मोन का उत्पादन करना शुरू करता है जिसके परिणाम स्वरूप जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन उसका भी प्रमाण बढ़ जाता है स्टडी के अनुसार हर 10 में से एक महिला पीसीओडी की समस्या से पीड़ित है पीसीओडी किन महिलाओं में होता है अगर किसी महिला की माँ को मौसी को या बहन को पी की समस्या है तो उस महिला को भी पी होने का खतरा बना रहता है पी के कारण क्या है वैसे पी का कारण फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल काम है लेकिन ये अनुवांशिक भी हो सकता है इंसुलिन की बढ़ी हुई मात्रा मानव शरीर में ह्यूमन बॉडी में एंड्रोजन की समस्या को भी बढ़ा देती है एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है और ये महिलाओं में प्रॉब्लम क्रिएट करती है पुरुष हार्मोन है एंड्रोजन ये महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण बनता है और कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पी ये उनके वो ये उनको उनके परिवार की तरफ से आया हुआ है जैसे कि जीन्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र हुआ है इसके लक्षण क्या है देखिए पीसीओडी में एक ही तरह की प्रॉब्लम नहीं होती इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है पी पीसीओडी के लक्षणों में सबसे पहले हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं एंड्रोजन की जो संख्या है शरीर में वो बढ़ जाती है उसका प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जो महिलाओं में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा चेहरे पर पिंपल्स आते हैं एक्ने आती है चेहरे पर अत्यधिक बाल आते हैं अंडाशय बढ़ जाता है पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग होता है वजन बढ़ना सिर दर्द बालों का पतला होना अगर पी को आप बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो, वो आपके शरीर में काफ़ी कॉम्प्लीकेशन क्रिएट कर सकती है तो आपको समय पर इस पर काम करने की ज़रूरत है समय पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जब वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ तो गर्भधारणा करने में कठिनाई आना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ती है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देती है तो मिसकैरेज गर्भपात हो टाइम डिलीवरी लीवर में स्वेलिंग डिप्रेशन और चिंता भी इसमें शामिल होती है तो ये हो गए कॉम्प्लीकेशन अगर इसमें ट्रीटमेंट ना करें तो पी का सोल्यूशन क्या है इसका इलाज क्या है तो सबसे पहले ये ला इलाज नहीं है बिल्कुल भी ये सॉल्व हो सकता है अगर लाइफस्टाइल में आप चेंजेस करते हैं तो ये पूरी तरह से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है समस्या है जिसका उपाय भी है तो इसके लिए कुछ मेडिसिन के साथ में आपको डिसिप्लिन एक लाइफ जीना पड़ेगा तो अगर आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपके आपके लिए कुछ दवाइयाँ लिखेंगे और साथ में आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की सलाह देंगे और साथ ही साथ आपको वजन कंट्रोल करने के लिए भी सलाह देंगे तो जो मेडिसिन वो लिख के देंगे वो कुछ इस तरह की होंगी आपके डॉक्टर आपको विटामिन दे, दे सकते हैं फाइबर खाने को बोल सकते हैं आपको फाइबरस फूड खाने के लिए बोल सकते हैं साथ ही साथ में ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स फैटी एसिड बढ़ाने की सलाह भी आपको दे सकते हैं साथ में उसके सप्लीमेंट्स भी आपको लिख के देंगे खान पान में बदलाव करके इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है ये घरेलू उपाय कर सकते हैं अगर घर में करना है तो आप साथ, साथ में जो मेडिसिन चल रही है उसके साथ में अगर आप अपनी लाइफ में हेल्दी फ्रूट्स प्रॉपर प्रोटीन और प्रॉपर फाइबर रखेंगी हेल्दी फैट रखेंगी तो आप अपने जो अपना जो खान पान है उसको एक बैलेंस फूड की तरह लेंगी और ध्यान देखिए अगर आप अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करेंगी तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होगी बहुत जल्दी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी साथ साथ में आप बहुत जल्दी खाना खा के जैसे कि शाम को सात से आठ के दरमियान खाना खा, खा लेना चाहिए साथ में फिर सोने का समय भी आपको आपका बारह बारह के पहले होना चाहिए और सुबह भी उठने का टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए स्ट्रेस आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में भी नहीं आपके शरीर में भी नहीं तो इस सब को आपको बैलेंस कर करते जैसे कि आप घर में और बाहर आ, अपनी लाइफ बैलेंस कर रही है आप अपने ऑफिस का काम कर रही है साथ साथ में आप अपने घर का भी काम कर रही हैं और ये करने में आपको जो एफ़र्ट्स लग रहे हैं इसमें आपका माइंड और इसमें आपका शरीर भी आपको तंदुरुस्त रखना है तो ये दोनों चीज़ें करते करते घर का और बाहर का करते करते आपको अपना शरीर भी देखना है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप अर्निंग तो करेगी, आप अपने फैमिली को खुश भी रखेंगी लेकिन बीच में जो आपका जो शरीर है जिसकी घिसाई चल रही है उसका क्या एक, एक जो मशीन होता है उसका भी एक लिमिट होता है काम करने का तो साथ साथ में उसको भी ऑयलिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसी तरह से आपके शरीर का भी रख रखाव करने की ज़रूरत पड़ती है तो शरीर को आप अब तो शरीर को आप अपडेट रखिए हेल्दी फूड खाइए प्रॉपर खाइए भाग दौड़ करके खाना नहीं खाना है रिलैक्स बैठ के खाना खाइए खाने खाना ही आपका शरीर का दवा का काम करता का है खाना ही आपके शरीर में दवा का काम करता का का है तो अगर आप खाने को ही निग्लेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली आपको एक्सटर्नल कुछ लेना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड मेडिसिन तो वो मेडिसिन आपको लेने पड़ेंगे तो अगर मेडिसिन से बचना है तो आपको खाने में और पीने में ध्यान रख के ये सब करना है फ़ास्ट फूड के ज़माने में आप लाइफ को फास्ट नहीं कर रही हैं आप अपने लाइफ को शॉर्ट कर रही हैं फ़ास्ट फूड के चक्कर में लाइफ शॉर्ट हो जाएगी ये सही बात नहीं है तो जिन महिलाओं को पी की समस्या होती है वो कितने स्ट्रेस में रहती है अगर आप कोई समस्या है तो आप अच्छे से समझ सकती है इसमें बचने के उपाय भी काफ़ी है सबसे पहला उपाय तो आपको घर से ही शुरू करना पड़ेगा आपकी लाइफ को इम्प्रूव करके ध्यान रखिए आपके आहार में जिंक की मात्रा होनी चाहिए प्रॉपर संतुलित आहार होना चाहिए फाइबर होना चाहिए विटामिनस होने चाहिए और ये सब कहाँ से आएंगे प्रॉपर तरीके के फल खा के अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करवाइए बहुत अच्छे से कि आपके शरीर को क्या क्या किन किन विटामिन की ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपने आहार लीजिए अगर आपको आहार के बारे में जानना है तो इसके बारे में एक मैं वीडियो और बना दूंगा लेकिन अगर आपको इंस्टेंट में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए कमेंट में और मैं आपको वो आपका आहार क्या लेना चाहिए कितनी मात्रा में लेना चाहिए आपके वज़न और हाइट के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स भी लेते रहिए क्योंकि जो हम रूटीन में नहीं ले सकते तो वो सप्लीमेंट्स के द्वारा हमको मिल सकता है तो प्रॉपर होना चाहिए वो भी सप्लीमेंट और साथ में क्योंकि जैसे देखिए आप अपने शरीर पार्लर का एक एग्जांपल लेते है हैं कि पार्लर आप रेगुलर जाती है प्लकिंग कराने के लिए आपको थ्रेडिंग कराने के लिए आईब्रोज हो गया बाकी सारी चीज़ें होगी इन सबको मेंटेन करने के लिए आप जैसा पार्लर जाती है उसी तरह से आप हेल्थ के लिए थोड़ा समय थोड़ा खर्चा कीजिए ये खर्चा नहीं है ये आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है जो कि शरीर को बनाए रखता है क्योंकि हर वो चीज़ जो आज मार्केट में अवेलेबल है वो हेल्दी हो चाहे वो फल हो या कुछ भी हो इसकी गारंटी नहीं है तो उसमें से आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक सवाल है तो इससे बेटर है कि आप एक अपने प्रॉपर जो शेड्यूल में कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी ऐड कर सकती हैं तो उसे भी काफ़ी राहत मिलेगी इसका इलाज कैसे करना है आयुर्वेद तो के हिसाब से अश्वगंधा रिश्त हेम पुष्पा और साथ में कुछ अन्य दवाइयाँ होती है जो कि जो कंडीशन है उसके हिसाब से दी जाती हैं और अगर एलोपैथी की बात करेंगे तो एलोपैथी में आपको को इन कैप्सूल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है साथ में विटामिन एकोसोले एक कैप्सूल और साथ में एवियन 200 का एक कैप्सूल ये आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको लेना है तो ये ब्रेकफास्ट में आपको विटामिन विटामिन ई भी आ गया विटामिन ए भी आ गया और फैटी एसिड के लिए आप ओमेगा थ्री के लिए बहुत से ऑप्शनस है वेजिटेरियंस के लिए अलग ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियंस के लिए फ़िश है आप खा सकती है ओमेगा थ्री आपको बहुत अच्छे से मिलेगा जो फैटी फिश होती है जिसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है वो फिश आपको ओमेगा थ्री भरपूर मात्रा में देती है तो खान पान में ये बैलेंस करके चलिए प्रोटीन को भी बैलेंस करके खाइए तो इस सब इस समस्या से निजात मिल सकती है मिलती है प्रॉपर तरीके से मिलती है और कुछ अन्य मेडिसिन होते हैं जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से दी जाती है उसका सीवियर उसकी सीवियरिटी कितनी है वो कितना सीवियर है उसका कंडीशन वो हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन देते हैं मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट में बोला था कि डॉक्टर आप आ, होम रेमेडीज ही क्यों बताते हो देखिए एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है वो पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद ही दी जाती है और वो आपका डॉक्टर जहाँ पे आप जाके एग्जामिन करेंगे वो आपको प्रॉपर तरीके से दे देगा बशर्ते उनको वो अनुभव होना चाहिए और जब तक आपका सिम्टम क्या है आपके क्या लक्षण आपको दिख रहे हैं वो हिसाब से एलोपैथिक मेडिसिन लिखी जाती है और रही बात आयुर्वेदिक मेडिसिन की तो उसमें आ, उसमें अश्वगंधारिष्ट है साथ में अशोकारिश्ट है हिमपुष्पा है ये आपको टू टाइम्स अ डे लेनी है समान मात्रा में पानी के साथ में तो अगर इतना आप प्रॉपरली करेंगी और साथ में लाइफ को सेट कर देगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, हो जाएगी साथ में सप्लीमेंट्स में आपको कई तरह की सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जैसे कि फेमेन नाइन वो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है फीमेल के लिए बहुत अच्छा है और और अगर वो प्रॉपरली लेते हैं आप तो आपको बहुत सी जो कमी रहती है शरीर में वो पूरी हो जाएगी और आपके पीरियड्स भी रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे तो ध्यान से आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसको फिर से जाके आप सुनिए संतुलित आहार के साथ साथ थोड़ा सा व्यायाम भी ज़रूरी है एक्सरसाइज करने के लिए व्यायाम करने के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको ज़ुम्बा करने की ज़रूरत नहीं ज़ुम्बा ये एक डांस फॉर्म है इसमें आप अच्छे मोमेंट होते हैं उसमें लेकिन अगर आपको कुछ गोल है आपके पूरे करने के तो उसके लिए वो नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट जैसे कि आपको आप ये प्रॉब्लम फेस क्यों कर रही है आप ये प्रॉब्लम इसलिए फ़ेस है क्योंकि आपके पास समय नहीं है ख़ुद को समय देने का तो ऐसे में वर्कआउट के लिए भी समय निकालना एक काफ़ी कठिन काम हो जाता है उसके लिए बेस्ट एक आपको वर्कआउट अगर करना ही है तो आप सीधा घर का काम कीजिए अपने घर का काम खुद करना शुरू कर दीजिए जैसे कि जैसे कि आप मॉपिंग कर सकती है और जैसे कि आप झाड़ू लगा सकती है ये काम अपने घर के ही काम हैं जिसे कि आप अपने खुद के हेल्थ के लिए करेगी जैसे कि खुद काम करने से आपका जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल भी रहेगा साथ साथ में उसको एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ साथ में आपका माइंड भी हल्का होगा तो एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ेंगी आप या फिर कुछ वजन उठा लेंगी यही एक्सरसाइज नहीं है घर के काम भी एक्सरसाइज ही में ही काउंट होते हैं वैसे हमारा इंडिया ही एक ऐसा है कि जहाँ पर हमारे हर घर में एक मेड लगती है हमें लेकिन अगर आप विदेशों में जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे खुद का काम खुद करते हैं उसे शर्म मा, नहीं माना जाता हमारे यहाँ पे मॉडर्नाइज दिखाने के चक्कर में आप अपनी शरीर को एक प्रॉब्लम फेज में ढकेल रहे हो तो लाइफ में ये भी एक होता है कि सारे काम मेड करेगी और सारा हेल्थ बेनिफिट मेड को मिलेगा आपको नहीं मिलेगा दूसरा एक्सरसाइज करेगा तो आपको उसका हेल्थ बेनिफिट कैसे मिलेगा उसी तरह से आपको कोच कोई भी हो ट्रेनर कोई भी हो ट्रेनर कोच नहीं करने वाला है वो आपके सर पर खाली खड़ा रहेगा वर्कआउट आप करेंगे उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ट्रेनर को नहीं मिलेंगे वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ़ टाइम इससे बेटर है कि आप घर में अपने घर के काम कीजिए और हेल्दी रहिए लाइफ को सुधारना ही इसका एक अच्छा बचाव हो सकता है ये बचाव का कारण बनेगा अगर आपको पी से बचना है तो आपको घर के काम करने हैं वो काम जो कि आपको फिटनेस देंगे जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया और बाकी के हेल्थ बेनिफिट्स तो अलग ही हैं माइंड भी फ्रेश रहता है तो इस तरह से कि आप अपने कामों की तरफ ध्यान देते हुए आप अपने घर के काम करके ही आप अपना जो रूटीन है वो फॉलो कर सकती है अब रोज़ तो खाना खाते होंगे आप सुबह शाम का भी खाना खाते होंगे तो जो सुबह शाम का जो खाना खा रहे हो वो खाना बस अब हेल्दी होना चाहिए नो इंस्टेंट फूड नो प्रोसेस्ड फ़ूड भी प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए खाने में ताज़ा होना चाहिए घर का बना होना चाहिए आपने खुद बनाना चाहिए और कोशिश कीजिए डीप फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं नो कोल्ड ड्रिंक्स नथिंग अपना ड्रिंक लेके चलिए छाछ एक बोतल में भर लीजिए अपने साथ कैरी कीजिए तो छाछ पीजिए हेल्दी होता है उसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा प्रोटीन भी मिलेगा साथ में ताज़गी भी मिलेगी और शरीर को एनर्जी भी मिलेगी तो दूसरा कुछ पीने से अच्छा है कि अपना घर का बना हुआ अच्छा जिसमें कि बुना हुआ जीरा हो थोड़ा सा काला नमक हो वो आपको ताजगी भी देगा आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा साथ साथ में आपको जो बाहर की चीज़ें खाने का जो क्रेविंग होता है वो भी रोक देगा तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय सब... ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये अगर आपको महत्वपूर्ण लगती है तो आप अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए थैंक यू सो मच